मात्र 999 के मासिक किस्त पर ले जाएं टीवी, फ्रिज और एसी, वो भी बिना किसी ब्याज के। संपर्क करें जिम्मी सेल्स, पुरानी किला मोड़, सिवान। हसनपुरा प्रखंड के सबसे हॉट सीट पोकड़ी पंचायत का नतीजा आ चुका है, जहां से प्रभुनाथ यादव चुनाव मैदान में थे और इन्होंने चुनाव जीत लिया और ये नए मुखिया बने हैं पकड़ी पंचायत के। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा हॉट सीट अगर हसनपुरा प्रखंड का था तो वो पकड़ी पंचायत का था, जहां से प्रभुनाथ यादव ने अनूप मिश्रा को हराया है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, इनके चेहरे पे खुशी जो है वो साफ झलक रही है। सीधे हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले आपके चैनल के बहुत बहुत बधाई, इसलिए कि हम अपना पंचायत छोड़कर दूसरे जगह छोड़ने का कारण था कि मेरा पंचायत मंद्रापाली रिजर्व था। हमने 2016 का चुनाव वहाँ लड़ा, बहुत कम वोटों से वहाँ हार हुई थी। इस बार चुनाव हम जीते हैं। सबसे पहले वहाँ मतदाताओं का हम चरण स्पर्श करते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। जहाँ खुद अपना मतदान करने का अधिकार न हो, वहाँ हमको मुखिया वहाँ की जनता बनाई है, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। वर्तमान मुखिया अनूप मिश्रा को आपने हराया, किस तरह की लड़ाई देखने को मिली? मुखिया जी को हमने नहीं हराया, हमको क्या औकात है मुखिया जी को हराने का, जबकि वहाँ मतदान करने का अधिकार न हो, वहाँ हम क्यों हरा सकते हैं, वहाँ की जनता उनको हराई है। इन चुनाव के दिन जिस तरह से वहाँ पे हिंसक झड़पें सामने आई, आप भी घायल हुए थे, आप पे भी हमला हुआ, अनूप मिश्रा की भी पुलिस ने पिटाई की, तो क्या मानते हैं उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको सहानुभूति मिली जब आप घायल होकर अस्पताल में एडमिट हुए? सबसे पहले हम जिला प्रशासन को बहुत बहुत बधाई देंगे कि उन्होंने शांतिपूर्वक ढंग से मतदान कराया। जो अफवाहें थी कि वहाँ बूथ छप रहा था, जिला में हम पूरे दावा के साथ कह सकते हैं कि जिला प्रशासन इतना मुस्तैद था, बूथ एक बूथ कोई डबल गिराने का माने टुके नहीं रख सकता है, वहाँ छपने और गिराने की बात तो बहुत दूर की है। उन्होंने उपद्रव किया उस सभी लोगों ने। हम वहाँ 19 प्रत्याशी एक पटरी पर आकर वहाँ जिला प्रशासन का बेइज्जती कर रहा था, गाली दे रहा था, ईंटा पत्थर चला रहा था। मजबूरन जिला प्रशासन को कानून का डंडा चलाना पड़ा, कोई शौक से उन पर डंडा। अनूप मिश्रा आज सदर अस्पताल में भर्ती थे, हमारी टीम बिहार न्यूज की टीम वहाँ गई, उनसे बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन पे पुलिस द्वारा हमला होने से कुछ देर पहले प्रभुनाथ यादव और एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी बाइक से जा रहे थे और बोले कि पुलिस से तुमको पिटवाते और 5 मिनट के अंदर ही पुलिस आई और पिटने लगी। तो वो सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि प्रभुनाथ यादव ने ही पुलिस से मिलकर पिटवाया था। वो राजनीति प्रतिद्वंदता से बात करते हैं, द्वेषपूर्ण बात करते हैं। वहाँ उनसे तो मतदान के दिन अनु बाबा से हमको मुलाकात भी नहीं हुए। आज जो उनको जितेंद्र मिश्रा, मोहन मिश्रा का बात करते हैं, पुलिस अधिकारी जो है उनका उपरीदार है, उनका निजी दुश्मनी है उनसे पहले से। वो बेचारू तो पटना है, मतदान के दिन आए थे कि नहीं भी पता नहीं है। उनके साथ उठना बैठना घूमना तो बहुत दूर की बात है। अब हम किनका कसम खाएं कि उनसे भेंट हुआ था, वो सब राजनीतिक बात है। जनता ने जिस लिए आपको चुना है, जिस विश्वास के साथ चुना है, क्या पकड़ी पंचायत की जनता के विश्वासों पर आप खड़ा उतर पाएंगे? सबसे पहले वहाँ हमको शांति व्यवस्था कायम करना है। वो पंचायत अशांत हो गया है, बहुत तरह की बातें हो गई हैं, हमें भी पीटा गया है, हमें भी डंटा लगा है, बहुत लोग घायल हैं। वहाँ शांति व्यवस्था कायम करना हमारा और प्रशासन का दायित्व होगा, उसको हम बखूबी निभाएंगे कि वहाँ जो हुआ उसको शांत करना है। आपको लगता है कि जिस तरह से पकड़ी पंचायत के जो पूर्व मुखिया अनूप मिश्रा थे वो घायल है, उनके समर्थक काफी आक्रोशित है और अभी वो चुनाव हार चुके, तो क्या लगता है कि कुछ ना कुछ वहाँ माहौल बिगड़ेगा? उनके घायल से हमें भी कष्ट है, लेकिन उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, मजबूरन पुलिस। लेकिन एक जनप्रतिनिधि पर जिस तरह से पुलिस ने प्रहार किया, क्या आपको लगता है वो जाएगा? प्रतिनिधि हम भी हैं, कानून को अपने हाथ में लेंगे तो क्या हम पर डंटा नहीं पड़ेगा? कानून को जो अपने हाथ में लेगा, वो चाहे MP हो, विधायक हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सब पर कानून का डंटा चल सकता है। अगर हाथ में कानून ले तो क्या हम पर नहीं चल सकता है? चलिए, जनता ने मुखिया बना दिया है आपको, जनता को क्या कहेंगे? हम जनता को बहुत बहुत बधाई देंगे। जहाँ खुद मतदान करने का अधिकार न हो, वहाँ हमको मुखिया बनाना, अब समझिए कि जिला में लग रहा है कि पहला इतिहास हम रचे हैं कि दूसरे जाकर लड़े और जीते, इतिहास रचे हैं। आप पे भी FIR दर्ज है? ना, हम पर FIR दर्ज नहीं। वो मारपीट का जो मामला हुआ, हम पर FIR दर्ज नहीं।
चलिए ये FIR दर्ज तो प्रशासन किया है भैया, हम पर जो चोट लगा है हम अपना फर्ज बयान दिए हैं टाउन थाना को, आप इलाज के क्रम में जो कौन आपको किया था, कौन हमला, जो हम पर हमला किया था उसका नाम दिए हैं। कौन हमला किया? रामेश्वर सिंह मेरे के जो मुख्य प्रत्याशी हैं उनके पुत्र थे, वो थे, उनके समर्थक थे। चलिए प्रभुनाथ यादव है जिन्होंने पकड़ी पंचायत से मुखिया बने। आपको बता दें कि सिवान जिला के सबसे हॉट सीट माना जा रहा था क्योंकि हसनपुरा प्रखंड में पकड़ी पंचायत जो है उस दिन चुनाव के दिन काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ, जिसमें अनूप मिश्रा जिसकी पुलिस ने जमकर पिटाई भी की है, अभी वो जेल गेट से सीधे अस्पताल में इलाज कराने के लिए गए हैं। वहाँ से पकड़ी पंचायत से प्रभुनाथ यादव ने वर्तमान मुखिया अनूप मिश्रा को हरा कर मुखिया पद पर कब्जा अपना हासिल कर लिया है। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला लक्ष्मीपुर सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।